सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज है मेरे साथ नितिन भाई, जो कि इनकी बीवी हैं, जो कि आप जानते ही होंगे, आपने बहुत सी वीडियो में देखे भी होंगे राधा दीदी की। और अब तो खैर हर एक वीडियो में आ भी रहे हैं। इनका भी चैनल है जो कि राधा नितिन हरियारी नाम से इनका चैनल भी है। तो इनके ही मुँह से थोड़ी सच्चाई पूछते हैं, क्या हुआ, कैसे ये लड़ाई चल रही है, क्या शांत हो पाएगी ये लड़ाई या नहीं हो पाएगी। तो नितिन भाई, जब मैं दिव्यापुर में रहता था तब आप वहाँ पर रहते थे? नहीं, तब मैं नहीं रहता था वहाँ पर। तब जो है ये ऑटो चलाते थे। तो जी, इनकी बीवी जो उस टाइम भी मेरे पास कॉल करती थी, कहाँ तुम्हारे पास नितिन है, बता दो। जब यार कोई हमारे पास होगा तभी तो मैं बताऊँगा, और जब कोई नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से बताएँगे, बताओ। तो इस उस टाइम पे ये हमारे साथ में नहीं रहते थे। यहाँ भी जो है होली पे आए हैं ये होली पे, मतलब ये नहीं आई हैं, राधा दीदी आई थी और ये इन्हें तो हम पकड़ के लेके आए। उसके बाद इन्हें थोड़ा समझाया, तो अभी जो है गाड़ी वाला जो वो है वो बार बार कॉल कर रहा है, तो बोल रहे हैं आज मैं जाऊँगा वहाँ पर, कल मैं जाऊँगा। तो रोके रखे हैं एक दो दिन के लिए, एक दो दिन में जाएंगे गाड़ी चलाने के लिए। हैं और क्या, नहीं पूरा ट्रक जो ट्रक होता है वो चलाते हैं। बाकी मैं ये वो तो मुझे बोल रहा बार बार आ जाओ, मगर मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैंने भी थोड़ी बात करी थी, तो मैं काफ़ी बार कॉल आ चुकी मेरे पास। तो ये जो लड़ाई है ये कैसे शांत होगी? वो लड़ाई शांत होगी नहीं होगी। नहीं तो यार, मुझे क्यों बदनाम करा जा रहा बीच वो में? तो वो खाम खाम में झूठ बदनाम कर रही है। अब झूठ व्यूज पाने के लिए, उठने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ये उठने के लिए वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। उनकी लड़ाई इनसे है या और उनके राधा दीदी से है, लेकिन मुझे बीच में डाल रहे हैं। राधा दीदी फिर भी कहाँ है, उनको मत बोलो, हमें बोलना है, बोलो इन्हें बोलना है, इन्हें बोलो। मेरी क्या लड़ाई है? मेरी तो कोई लड़ाई है ही नहीं उनसे, और ना मैंने कभी लड़ाई करने की उन्होंने कोई कोशिश करी, ना मैंने कोई उनके ऊपर गलत वीडियो बनाई, ना मैंने कोई वीडियो में उनको गलत बोला। अगर मैंने कोई नाम भी तक लिया हो कोई वीडियो में, तो बताओ गाइस, आप बहुत दिनों से आप वीडियो देखते हैं। नहीं तो ये अगर जैसे कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो बना रही किसी के बारे में, अगर बुराई कर रही है, सुरमो दहिया के बारे में बुराई कर रही है, हाँ, तो तुम्हारे सामने भी वाला फिर वो तो चुपचाप अभी खड़ा है, तुम्हारे सामने भी फिर किसी दिन कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो वो भी सामने बनाएगा, और सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम किसी के बारे में उल्टा बोलोगे एक बार, तो तुम्हारे बारे में एक बार नहीं 100 बार बोला जाएगा। तो गाइस, इन्हें आप समझाना, आप लोग उनसे कमेंट करना कि हाँ शर्मोद को क्यों बीच में डाल ली हो। मेरे बाकी ना मेरा कोई रोल था ना कुछ, जब मैं दिव्यापुर में रहता था तो मैं इन्हें तक जानता भी नहीं था का नितिन कौन है कौन नहीं। तब उन्होंने कॉल करी, कहा है ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने मुझे बताया कहाँ वो ऐसे ऐसे हमारे पति हैं और ऐसे ऐसे वो गायब है। तो मैंने बोला हमें क्या पता, यहाँ पे तो कोई है नहीं, हम राधे दीदी बॉबी रश्मि यहाँ पे हम 4-5 लोग रहते हैं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पे आने के बाद भी, जब मैं यहाँ आ गया था उसके बाद भी कॉल कर रही थी वो, कहाँ वहाँ पे हैं, तुम्हारे पास में हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ पे हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सब में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सभी में। तो वहाँ पे भी चेक करके दिखा दूंगा कहाँ कब के आए हो। बाकी होली पे दीदी आई थी, वो भी मैं ग्वालियर गया था तब मैं बुला के लेके आया, मैं कहा दीदी चलो आप अगर थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पे। दीदी को थोड़ा अच्छा लगने लगा, अब वो बोल रही हैं, रोज़ बोलती हैं जाने को, मैं कहा नहीं। तो फिर और क्या बोलना चाहोगे? बोलना क्या चाहेंगे, अगर यही समझा रहे हैं कि सुरमो दहिया के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर देंगे। अगर तुम उनके बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो उल्टा जवाब खाओगे। एक बार नहीं, तुम्हें 100 बार समझा चुके, हर वीडियो में डालने के बाद हर वीडियो में यही बोला है कि तुम लोग सुधर जाओ, मगर तुम लोग नहीं सुधर रहे हो, तुम लोग अपनी आदत से बाहर जा रहे हो। व्यूज़ पाने के चक्कर में पता ना पता क्या किस किस को बदनाम ना कर रही हैं, किस किस के लिए ना बोल रही हैं, मतलब जिसका रोल नहीं है उसमें उसको भी बीच में घसीट रही हैं। और जो मैंने एक वीडियो डाली थी कहाँ नितिन की बीवी के वो आशी के ऐसी कुछ वीडियो थी अभी पीछे डाली थी, उसके बारे में थोड़ी सच्चाई बताओ, क्या है क्या नहीं? लोगों का चक्कर चलता होगा, मुझे तो वॉइस नहीं पता है। हाँ, और फिर मैं पहली बार सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाने चला जाता हूँ। हाँ, मेरा कोई ऐसा पता नहीं रहता कि कहाँ भाड़ा मिल जाए, मैं कहाँ चला जाऊँ, हम क्या देखते हैं इनके दोनों के बीच में, क्या मतलब पीठ पीछे होता है क्या नहीं होता है गाइस। तो ये तो मुझे नहीं पता, कन्फर्म है। तो गाइज, आपने देख ली सच्चाई, बहुत से लोग बोल रहे थे प्रूफ दे, ये दे वो दे, सब कुछ सच्चाई आ गई सामने। तो बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मगर गाइज, एक जो बात है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मगर जो मेरे घर वाले बदनाम कर रहे हैं सुरमो दहिया को, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको बदनाम ना किया जाए, झूठ साँच, ये आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कृपया करके।
तो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।